लाइव इमेज की टीम अपने कश्मीर टूर के दौरान आज लाल चौक कोकर बाजार के ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री हिलाल अहमद और सोनू बाली जी के साथ बातचीत करने के लिए यहां पर आई है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लाल चौक में कोकर बाजार के ताजिरों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम हिलाल साहब जब बाहर से अंदर एंट्री कर रहे थे घंटाघर की तरफ से, तो मैंने देखा कि सड़कों पे आपके जो 20 फुट की रोड थी उसमें करीबन 8-8 फुट तक टाइल लग गई है, तो वो छोटी हो गई है, नैरो हो गई है, 12 फुट की हो गई है, तो इससे आपकी कोकर बाजार में आने वाले टूरिज्म पे कुछ असर पड़ा? जो हमारी सड़कें पहले थी, जो हमारा लाल चौक पहले था, अब वो वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास हजारों गाड़ियां चौक में रहती थी, होटल भी थे, ढाबा भी है, यानी हर तबका खुशहाल था, हमारा कारोबार भी बहुत ज़ोरों पर चल रहा था। और हमारी बदकिस्मती समझिए कि जब से ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हुआ है, हम इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगी वहाँ पर सड़कें बढ़ाते हैं, यानी कि लोगों की फैसिलिटी बढ़ जाती है गाड़ियां चलाने के लिए, बाकी 20 फुट 25 फुट सड़क को 12 फुट में तब्दील कर दिया। वेस्टेज कैसे होगी? देखिए, पटरी 12 फुट बाहर निकाली, टाइल लगाए, गाड़ी तो टाइलों पर तो नहीं चलेगी ना, गाड़ी को जगह होनी चाहिए, सड़क पर तो चलेगी ना गाड़ी। स्मार्ट सिटी में काम तो हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो प्रॉपर प्लानिंग है, जो मेरे हिसाब से है, जो मैं आपने यहाँ लोगों से बात करता हूँ तो उस हिसाब से भी है, प्रॉपर उस तरीके से प्लान आउट नहीं हो पाया है। क्योंकि हमें देखना है कि हम जहाँ जिस शहर में रहते हैं, स्मार्ट सिटीज़, मैं देश में नेशनल पॉलिटिक्स करता हूँ तो आई हैव बीन ऑलमोस्ट नियर अबाउट 40 प्लेसेस जहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ बने हैं, मौका मिला है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है उसको कैसे मैनेज करें। जब मेरे पास 12 फुट की सड़क थी, आपने स्मार्ट सिटी ऐसे प्लान कर दी, मेरी सड़क 6-8 फुट की हो गई, जिसमें मेरी दो गाड़ियाँ चल नहीं पा रही है, तो जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, जो तकलीफ हो रही है कॉमन मैन। पहले देखिए, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, हमारे भाई जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी कंट्री से आते हैं, पहले वो आते हैं लाल चौक घंटाघर के पास। अब बताइए, जो कस्टमर अब जब लाल चौक आएगा, उसको पहले 50 या 30 या 100 रुपया घंटा देना है पार्किंग के लिए। तो आप बताइए, जब एक कस्टमर 10 मिनट या 20 मिनट के लिए आता है, उसको भी 20 रुपये देना पड़ता है। वो स्मार्ट सिटी की खूबसूरती देखने आता है। आपने देखा कि जो मेन जो पलेडियम सिनेमा का है, वहाँ पर स्क्रीन है, मेरे ख्याल में 50-60 फुट से ज़्यादा ही होगा, वो बड़ा वहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई, उससे हमारा सारा मार्केट छुप गया है। हमारा मार्केट है अंदर कोकर बाजार में 330 दुकानें, उसमें है 150-250 दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट शाल की, यानी कि जो माना जाता है कश्मीर का हार्ट है, 2 बजे रात बंद होता था वो, वहाँ पर रियल्टी होती थी, रियल आइटम मिलते थे, कश्मीरी शाल, पश्मीना शाल, यानी कि हर वैरायटी उनके पास थी। अब क्या हुआ है कि लाल चौक में कुछ एजेंट, ये सबको नहीं बोल, कुछ एजेंटों ने वहाँ पर डेरा डाल के रखा है, जो कस्टमर साहिबान को अपने कमीशन के लिए किसी और जगह ले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि रियल्टी नहीं देखते हैं, जो कस्टमर साहिबान 5,000 में चीज़ खरीद रहे हैं, वो ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है कि सी ग्रेड का है, यानी कि वो धोखा हो रहा है उनके साथ। मैं तमाम जो टूरिस्ट जिस कंट्री से भी है, जिस स्टेट से भी है, वो हमारे लाल चौक कोकर बाजार में आए। मतलब आपका कहना है कि कोकर बाजार में रीजनेबल रेट पे ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, और बाहर जो एजेंट होते हैं वो उनको डुप्लीकेट या कॉपी चीज़ें भी दिला देते हैं। 100% आप खुद चेक कर सकती है हमारे मार्केट को, आप हमारे रेट चेक कर सकते हैं, हमारी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ताजिरों के लिए कोई पॉलिसियाँ बनाई हैं, और उससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जब मुफ्ती साहब यहाँ पर थे हुकूमत में, जब सैलाब आए, सैलाब का उन्होंने खुद डिक्लेयर किया लाल चौक में हम 5-6 लाख एक ताजिर को देंगे, जबकि अरबों रुपये का नुकसान हो गया। मामूली से मामूली दुकान में 50-60-30 लाख-20 लाख से कम माल नहीं था, और तो पहले मंजिले में, पहले ही ग्राउंड फ्लोर में दुकानें ख़त्म हो चुकी थी, मकानों की बात आप छोड़ो। फिर उसका क्या हुआ रिजल्ट? उन्होंने ट्रेडर्स को दिए एप्लीकेशन, आप फार्म लाओ। फार्म हमने भर दिए,
पटवारी साहब भी आए, उन्होंने मौके पर उन्होंने वो नोट कर लिया। तो जब हम वहाँ हमने फाइलें डाली, फाइलें डाल के वो अल्लाह हमारा जानता हमने कितनी स्ट्रगल की वो पैसे लेने में सरकार से। दिन रात हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबान, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी जितने मेम्बरान, हमारे जूते घिस गए वहाँ जाते जाते। फिर मिला क्या, 15,000, 25,000, 50,000। जबकि मुफ्ती साहब ने वादा किया था कि आपको कम से कम पर ताजिर 5 लाख रुपया मिलेगा। कुछ भी नहीं, जीरो। अभी भी हमारे कुछ, मैं अपने एरिया की बोलता हूँ, कुछ चौकीपर है जिनको मिला ही नहीं। सारा जो इंतज़ाम था वो था डीसी, उसके वो करते थे डीसी साहब उस वक्त की, मतलब उस वक्त तो पीडीपी की हुकूमत थी जब सैलाब था। उस वक्त धक्के लोगों ने खाए, हमारी माँ बहनों ने जिनके मकान टूट कर बिखर गए थे सड़क पर। मैं क्या बताऊँगा, मुझे रोना आता है। सड़कों पर वो बैठे थे फाइलें लेकर, धक्के मारते थे उनको, आप उधर रहो ये होगा, जिनके पास कुछ सहारा नहीं था। कोकर बाजार के कुछ ताजर थे तो उन लोगों ने कहा कि जब मुफ्ती साहब थे उन्होंने जब सैलाब आया तो 5-5 लाख रुपए के लिए कुछ अनुदान देने की वो बात करी, उन्होंने डीसी ऑफिस में बकायदा फॉर्म भरे, मगर अभी तक ना उनको कोई मुआवजा मिला है ना ही उनको ये बताया गया है कि आपको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस जो बाढ़ आई थी 2014 में, जितना उस वक्त उसके बाद पैसा यहाँ पर दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इतना पैसा यहाँ पर कभी दिया गया है। तो पैसा इनको सबों को दिया गया है, ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ कि जिसका इंश्योर था, से जिसको इंश्योर था उसको नहीं दिया गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंश्योर था, उसको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी थी, उसको इंश्योर्ड में करना था, उनको किया था। ये है, कुछ मार्केटों में ऐसी शिकायतें आई हैं कि हमें जी, मगर उसमें क्या हुआ कि ये जो आपका लाल चौक में जो मार्केट है, मतलब वहाँ पर भी ये कहानियाँ थी। वहाँ पर एक जूते वाला था, उसने भी ये बात हुई। फिर अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने जब उसमें देखा है कि क्या हुआ है क्या हुआ है, उसने वहाँ से 18 लाख रुपया वहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, ऐसे चीज़ें हुई है। लेकिन हो सकता है एक आध रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, मगर नहीं, मगर वो एक आध जो है उसी को तो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, अगर वो आए हमारे पास, आए आज के डेट में भी अगर आए वो हमारे पास, हम करेंगे उसका भी समाधान करेंगे, उसमें बता देंगे हम गवर्नमेंट को कि इसको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है इसको, वो कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी बनने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के भी स्मार्ट मीटर लग गए, तो उस पे आप किस तरह की कंसेशन या रियायत चाहते हैं? 2600, 2600, 2800 बिल आते जो मीटर लगे। मीटर से पहले आता था 500, 600, वो हैंडल कर लेते थे शॉपकीपर। अभी से एकदम से 2800, 2400 मीटर में आ रहे। मैं यहाँ की इंतज़ामिया से, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देखें हमारे हालात कैसे, सैलाब से लेकर लॉकडाउन। पीछे काफ़ी समय तक लॉकडाउन से भी आपकी तजारत बहुत धरम भरम हुई। जीरो मैडम, जीरो। आपको तो खुद पता है लॉकडाउन का असर कितना इंडिया में था। ये तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया था। पहले हमारी बिल 400-500 रुपये आती थी, आज तो कम से कम 1100-1800 से कम नहीं आती है, क्योंकि मेरी शॉप छोटी है। जैसे कोई बड़ी शॉप है, किसी को 2200, किसी को 2300, किसी को 2400, ऐसे से अपना चलता है, सारा सिस्टम चलता है। तो जनरली आपकी शॉप पे एक आधा फैन चलता होगा? हाँ, और कुछ बस या सीसीटीवी कैमरा, लाइटें, सीसी कैमरा, लाइटें भी चलती हैं बहुत, क्योंकि हमारा काम जो ड्राई फ्रूट का, इसमें लाइटिंग ज़्यादा हो रही है, लाइटें चलेगी इसमें ही, इसीलिए थोड़ा सा हमारा भी आता है, एक्सपेंसिव आता है। अभी पीछे स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगाए गए तो वादी में लोगों ने काफ़ी विरोध किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है इसमें विरोध करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, जिस चीज़ की मेरे को फैसिलिटी मिल रही है उसमें पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसिलिटी तो हमारी थी, ये तो हमारी बिजली है मैडम, पानी है ना मेरा, पानी को बिजली बनाने के लिए पैसा लगता है। फिर ये फ्रूट भी मेरा है, मैं क्यों फ्रूट मार्केट में बेच रहा हूँ, फ्री में दे दूँ सबको? जो चीज़ें हैं उसमें फैक्ट्स फिगर सामने आने चाहिए, कोई गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। हाँ, अब यह है कि मेरा पानी है तो मेरे को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए स्मार्ट मीटर में, मेरे को रिलैक्सेशन 20% 30% रिलैक्सेशन बिजली में मिलना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि भाई
मेरे को तो फ्री, मेरे यहाँ से तो इतना फ्रूट निकलता है, मैं क्यों सड़क पर बेच रहा हूँ, मेरे तो फ्री में दे दूँ लोगों को, भाई ये तो मेरा फ्रूट है। भाई पानी मेरा निकल रहा है, उस पानी को बनाने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत पैसा लगता है। तो जो वो पैसा रोटेट हो रहा है वो आएगा कहाँ से जब मैं फ्री में दे दूंगा? स्टेट को एक्सपेंडिचर पैसा चाहिए ना, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा मैम? बिल्कुल, टैक्सेशन नहीं होगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अच्छा, आपने जो बैंकों से लोन लिया, 90 से पहले तो बैंकिंग सिस्टम कुछ था ही नहीं, मगर बाद में बैंकिंग सिस्टम हुआ, आप लोगों को कुछ लोन अप्रूव हुए, आपने लिए भी, तो अब आज आज आपके पास जैसे लॉकडाउन हुआ, सैलाब आया, तो आप क्या चाहते हैं कि बैंक आपको क्या मदद करे? हालात ऐसे बन गए कि ताजरों को उनकी तरह मुँह करना पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ मैडम? सैलाब आया, लॉकडाउन आया, हालात भी खराब थे, दुकानें बंद थी, ये सैलाब के कितने महीने बंद रहे, कीचड़ निकालना पड़ा, या लॉकडाउन में आपको मालूम था दुकानें महीनों के महीने बंद रहती थी, सालों साल रही बंद। उसके बाद जो कर्जा चढ़ गया बैंकों का, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, खाली होटल वालों को भी खाली पड़े थे। ये तो सबके साथ हुआ, सबके साथ हुआ। मैं हर ताजर, हर होटल वाला, जो रिक्शे वाला, ऑटो वाला है, जो मजदूर है, सबका कह रहा हूँ आपसे, कभी हमें बैंक के पास जाए, भाई आप हमारे साथ कोई सेटलमेंट कर लो, जो अगर हम आपके बेसिक 20 लाख है, हम 15 देने के लिए तैयार है, उसका इंस्टॉलमेंट कर दो। जब हाई अथॉरिटी तक आप बात पहुंचाएंगे, जब वो कोई ऑप्शन देंगे, ट्रेड उस पर बात कर, ट्रेड के साथ बात करें, हमारे जो सीनियर लीडर है उनके साथ बात करें, हमसे बात करें, हम उनको बताएंगे भाई देखिए हम 15 लाख हम 3 टर्म में देंगे, 5 टर्म में देंगे, यानी कि कुछ करके उतारना है, हमें देना है। हमारी नीयत नहीं है कि वो हम बोलते हैं हम कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट में भी तो लड़ना है मैडम, कोर्ट भी तो रियलिटी देखेगा हमारे हालात, कोर्ट तो हमसे अलग नहीं है। मगर कोर्ट में वैसे भी बहुत समय लग जाता है, अगर आप मुकदमा लड़ते हैं, तो बेहतर है कि आज वो सेटलमेंट करें तो उनको ज़्यादा से जल्दी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए। हमेशा तैयार, किसी मसले के लिए हम हमेशा सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार। हमारे मुश्किल क्या है, आप LG साहब जो सेंटर हुकूमत में है जो इस वक्त, उनके पास पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथ वो बात करे, बैंकिंग पर करे, बिजली पर करे, जो हमारे साथ कोई वो कोई पैकेज दे हमें, जिससे हमें रिलीफ मिले। कोकर बाज़ार के ताजिर हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, मगर पीछे सैलाब आया, फिर कोविड आया, तो हम लोगों का काम धाम ज़्यादा नहीं चला, तो हमारे बैंक लोन जो हैं उसको थोड़ा माफ़ कर दिया जाए, हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, तो क्या ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? उनको पूरा भरोसा हम देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि, लेकिन एक गुजारिश है कि वो हमारे पास आए, हमारे ऑफिस आए, हमारे 24/7 हमारा ऑफिस ओपन रहता है, खुला रहता है, BJP का ऑफिस जो जवाहर नगर में यहाँ पे स्थान पजीर है, यहाँ पे आए, मेरा कांटेक्ट नंबर उन्होंने उनके आपके माध्यम से दिया जी, 24 घंटे रात के दिन में कभी भी मुझे फ़ोन करें। आपने मसाइल जो है, जो फ्लड, जो आपने बोला कि फ्लड के दौरान उनका जो बैंक का साथ जो जी बिल्कुल, उसके बारे में हम रखेंगे फाइल हमारे हाई कमांड को, हमारे हाई कमांड को रखेंगे, उनके जितने भी इश्यूज़ होंगे मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से इंशाल्लाह उनको पूरा किया करेंगे, और हाई कमांड को पूरे दरखास्त करेंगे कि कोकर बाज़ार के लोगों को, एक जो वहाँ के हमारे भाइयों को पूरी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। वादा। आप इस बोर्ड के बारे में देखिए, आप खुद देख लो, सारा मार्केट हमारा ढका हुआ है, जिससे हमारा बिजनेस जीरो हो चुका है, सड़कें नहीं है अंदर आने के लिए, एक ही तो हिलाल साहब, कोई ऐसी ऑप्शन हो सकती है कि अगर ये बोर्ड रहे या होर्डिंग से ये भी लगे रहे और आपकी भी प्रॉब्लम सोल्यूट हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है तो आप बताइए। क्यों नहीं है, देखिए जो बोर्ड इस तरह है उसको उसके साथ लगा सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, यानी बात जीरो की, कोई मामूली मसला है यहाँ से उठाकर वहाँ साइड में लगा दिए, स्क्रीन तो स्क्रीन है, साइड में लगाना है, बैग तो बैग में रहेगा, फ्रंट तो फ्रंट में रहेगा, ठीक है। टूरिस्ट को लिए आप देखिए, जगह भी होनी चाहिए ना, देखिए मैडम बैठने से कुछ नहीं होगा, टूरिस्ट को खाना भी चाहिए, टूरिस्ट को टाबा में चाहिए, होटल भी चाहिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कॉफ़ी सब कुछ चाहिए, उसके लिए गाड़ी पे रखने की जगह होनी चाहिए ना मैडम। अभी आप जब टूरिस्ट बाहर से आता है वो थका हारा होता है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि उसको एक अच्छे से पार्किंग की जगह मिले और वो अपने होटल में जाके आराम कर सके। देखिए हम ही जब बाहर जाएंगे हम क्या चाहेंगे, पहले हम अपना आराम ढूंढेंगे, जब हमारी बहनें माएँ बाहर से यहाँ से टूरिस्ट आते हैं वो थके हारे होते, साइड में गाड़ी लगाते, यहाँ से बंदा आता 50 रुपये देता,
अब वो सोचते हैं एक घंटे का 50 है 20 रुपये, शाम तक का 1000 रुपये हो गया। उनके लिए पार्किंग बनाई, इतनी जगह है लाल चौक में जो वेस्ट रखी हुई है। कोई जगह सजेस्ट करिए आप। देखिए मैं बताऊंगा, पहले एक कोर्ट है जिसमें 10,000 गाड़ियाँ रह सकती है, ये पूरा बंद है। हैं दूसरा यहाँ शेखबाग में बनाया है पार्किंग, ताजरों के साथ लफ्ज़ हुआ था 500-400 रुपये में गाड़ी, आज 1500 मांग रहे हैं मंथली। यहाँ पर देखिए ये जो है क्या केएमडी की पार्किंग, ये या इस साइड में इलेक्ट्रॉनिक, वो तो 1600 रुपये ले रहे हैं ताजरों से पर मंथ। बहुत ज़्यादा कोकर बाज़ार में जैसे अभी बातचीत कर रहे थे, अभी मैं आपसे फिर उन्हीं की एक दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी। उन लोगों ने कहा कि हमें पार्किंग की प्रॉब्लम हो गई है, जब से ये आगे लाल चौक पे आपने उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए टाइल्स लगाई हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, तो उसके लिए पार्किंग के लिए आप उनकी क्या करना करेंगे? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कश्मीर में प्रॉब्लम है कि आपको दुकान है ये, उसी के साथ में आपको पार्किंग मिलनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता केएमडी अड्डे में जो केएमडी अड्डा है जो है वहाँ पर, जो कि पुराना ये है, वहाँ पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग बनाई है जिसमें कम अज़ कम 3,000-4,000 गाड़ियाँ आ जाती हैं। कितनी दूर है वहाँ से? वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो मुझे लगता है 600 यार्ड। वो थोड़ा सा हमारा पार्किंग का मसला है, जैसे गाड़ी आती है, गाड़ी हमारे पार्किंग में रहनी चाहिए। जैसे हमारा कोर्ट का पूरा खुला है, वो वाला कोर्ट का बंट का साइड पूरा ऐसा ही है, और बशरा पुल का साइड भी ऐसा ही है, पूरा ही है। अगर हमारा थोड़ा हो जाए हमारा, तो गाड़ी वहाँ सब पार्किंग करेंगे तो शॉपिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जो हमारा मार्केट है ना, ये बड़े इत्मीनान से शॉपिंग होती है, कि ये पैदल वाला मार्केट है। बार्गेनिंग भी होती है, जैसे लेडीज को थोड़ा बार्गेन करने की तो करनी पड़ती है, बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। चलो हम भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, वो अगर 10 रुपए उनके बच जाए तो वो भी खुश रहते हैं, उसमें रहते हैं। कहीं कहीं स्मार्ट सिटी से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, इसमें शक नहीं है। देखिए क्या है कि रोड जो है यहाँ, रोड जो है पुराने जो कि महाराजा साहब के टाइम के रोड है वही है। अब इनको ही थोड़ा बहुत कहीं छोटा कर रहे हैं, कहीं बड़ा कर रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए एक प्लान होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट से भी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये जो मार्केट हैं, वहाँ की मार्केट जो है, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए, और इसके लिए जो कि इनका गाड़ियों को रखने के लिए कोई पार्किंग अच्छी हो। लेकिन इसमें श्री इसमें इस एरिया में एक तो आप केएमडी जो अड्डा है 600 यार्ड्स के दूरी पर है, दूसरा अगर आप जाएंगे इस एरिया में बिस्कू के दूसरे साइड में रेजिडेंसी रोड के पीछे एक पार्किंग और बनी है, लेकिन तब भी समस्या है, इसमें शक नहीं है कि पार्किंग की समस्या है इस सिटी में, श्रीनगर सिटी में। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि हम भी एक बाज़ाब्ता एक लेटर बनाएंगे एलजी साहब को, उनको बता देंगे कि एक और जो कोर्ट रोड साइड में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने जहां पर पार्किंग हो। उस पार्किंग में माने रेट कितने होंगे पार्किंग करने के लिए? उसमें क्या है, उसमें तो यहां पर आर है, मुझे लगता है कि 20 रुपये लेते हैं इसमें जो अभी है पार्किंग जो चल रही है। नहीं मगर अगर एक ट्रेडर है या कोई व्यक्ति है वहाँ पे, नहीं उनके लिए है जो अभी रेजिडेंसी रोड पर है, उनके लिए कोई महीने का कुछ लेते हैं। ट्रेडर इज गिविंग 1600 रुपीज पर मंथ। ओके टू मच, वो दूर कोकर बाजार का जो है लाल चौक का, वो ज्यादा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट है या यहाँ के रहने वाले, उनके लिए भी फैसिलिटी हो। जो हमारे बाहर से मेहमान आए, फॉरेन कंट्री से आए, उनके साथ चीटिंग ना हो, उनको रास्ते में लूटा ना जाए, जो कश्मीर का कल्चर है वो बदलाव ना हो जाए, एजेंट खुलेआम घूम रहे, धोखाधड़ी हो रही है। हम तो उन एजेंटों को कैसे माने रोका जाएगा? क्यों नहीं, उसके लिए इंतजाम है, पुलिस इंतजाम है। उनकी पहचान कैसे होगी कि ये एजेंट है? देखिए वो तो पुलिस का काम है, हम तो नहीं कुछ, हम तो किसी की तरफ उंगली नहीं ना उठा सकते। उनको सारा मालूम है कि देखिए लाल चौक साइड में शाम टूरिस्ट आते, आपने देखा होगा किसी का पैसे गिर गया उसको वापस मिल जाता है, लेकिन सबके नहीं मिलते हैं मैडम। कोई टूरिस्ट आता थका हारा, होटल नहीं मिला तो वहाँ तो आराम कर सकता ना, जब वो सेफ जगह आपको पकड़ के ले जाएगा, चलो होटल में 5,000 देंगे 10,000, उधर से फिर आपको शॉपिंग के लिए किसी जगह ले जाएंगे, 100 की चीज़ देंगे, 50 रुपये की चीज़ देंगे 5,000 में, ये तो चीटिंग है हमारे इस्लाम में। हम रियलिटी बोलते हैं आपको, हमारे मार्केट में आए
जो भी टूरिस्ट हमारे भाई बहनें जो बाहर जिस भी कंट्री से हो जिस भी स्टेट के हो वो ये एक बार आर्टस बाज़ार कुकर बाज़ार में आए फिर शॉपिंग करके देखे। अगर हमारे ताजर भाई किसी भी जगह गलत हो हम अपनी गर्दन काट कर। कुकर बाज़ार की बात जब राजू ने इसलिए उठाई है कि इसका बचपन उसी बाज़ार से निकला है, तो कुकर बाज़ार के लोगों के लिए मैं पर्टिकुलर ट्रेडर्स यूनियन के लिए ये बात करना चाहता हूँ कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं हिलाल भाई और फारूक साहब, तो वो सब मेरे पास भी आ जाए, मेरे से भी जितना समर्थन सपोर्ट हो सकता है चाहे DC के माध्यम से या कमिश्नर SMC के माध्यम से, आई विल ऑलवेज सपोर्ट देम, फुल सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सकता है, और जहाँ जहाँ पर उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उन डिफ़िकल्टीज़ में भी हम उनके साथ में खड़े हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेज़, गुड लक फॉर लाइव मेट्स। थैंक यू।